हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। शाहरुख खान स्टारर पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। बड़े पर्दे पर अपने चहेते स्टार की वापसी देखने के लिए फैंस सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं। ये फैंस की बदौलत ही तो है जो पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी शानदार नजर आ रहे हैं। सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो, लोग पठान फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को कामयाब बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है? अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा और मैं आपसे कहूँ कि आप इस फिल्म को मात्र 50 रुपये में देख सकते हैं तो हैरानी की बात तो है, लेकिन ऐसा हो रहा है, जानिए कहाँ। 50 रुपये में बिक रही पठान की टिकट। वैसे तो कई राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में फिल्म की टिकट 200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक है। इस बीच अगर पठान फिल्म की टिकट 50 रुपये में मिल जाए तो हैरानी की बात तो है। अब ये कहाँ हो रहा है, आज हम यही जानेंगे। दरअसल पठान की टिकट इतनी कम कीमत में धनबाद के झरिया के देश बंधु सिनेमा हॉल में मिल रही है। इस हॉल में 585 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पठान के 4 शो चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिनेमा घर के संचालक अजय अग्रवाल ने न्यूज 18 को बताया कि चारों शोज हाउसफुल चल रहे हैं। किंग खान के फैंस को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पठान फिल्म ने KGF 2 और वॉर जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़कर इतिहास रच दिया है। कश्मीर घाटी में शो हुआ हाउसफुल। शाहरुख के कमबैक को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आइनॉक्स ने ट्विटर पर हाउसफुल साइन की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया है कि 32 साल बाद कश्मीर घाटी का थिएटर खचाखच भरा हुआ है। पठान फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन भी काफी शानदार है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पठान की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि पहले 2 दिन में फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 219.6 करोड़ रुपए रहा। इस कलेक्शन की वजह से ही पठान फिल्म दुनिया भर में इतनी कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। बॉलीवुड के सितारे बांध रहे हैं पठान की तारीफों के पुल। आम लोग ही नहीं, बॉलीवुड के सितारे भी पठान फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अनिल कपूर ने तो ये तक कह दिया कि पठान फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। जानिए बाकी सितारे क्या कह रहे हैं। दिया मिर्जा और आलिया भट्ट ने लव विंस कहते हुए मूवी की सराहना की। आयुष्मान खुराना और रवीना टंडन ने भी सोशल मीडिया पर शाहरुख और पठान के समर्थन में पोस्ट किए हैं। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा जैसे दिग्गज कलाकार हैं। आपको बता दें कि सलमान खान ने इस फिल्म में कैमियो रोल किया है। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।